हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और बार बार हाथ धो रहे होंगे। तो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। तो वो गुड न्यूज़ है कि मेरी जो बड़ी सिस है, यानी कि मेरी ताई जी की जो लड़की है, उनकी वेडिंग फिक्स हो चुकी है। कभी कभी गलती हो जाती है। तो इंगेजमेंट है कल, और सबसे पहले मैं अपनी तैयारी कर लूँ क्योंकि मेरी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। तो मैंने मम्मा से पूछा तो मम्मा ने बोला कि मलाई में चुटकी भर हल्दी मिला के उसको फेस पे लगा ले, थोड़ी देर मसाज करना है। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, आप मेरे बाल बाल देख सकते हो। मैंने अभी नाइट सूट पहन रखा है। और ये क्या नाम है, और डिम्पी जी की भी तैयारी चल रही है, उनके बालों में लग रहा है। क्या लगा रही हो मम्मा? मम्मी क्या लगा रही हो? दही। दही लग रहा है। और अब मेरे बालों में भी लगेगा क्योंकि मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं उससे। और अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, मलाई और हल्दी मैंने रेडी कर लिया है। तो थोड़ा सा डार्क येलो कलर आना चाहिए और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। फेस पर जो है काफ़ी ज़्यादा चिकनाई आ चुकी है क्योंकि मलाई काफ़ी ज़्यादा चिकनी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी नानी अभी 7 जून को एक्सपायर हो गई थी। दिस इज़ अ वेरी रॉस्ट डे, बट कल ही हम लोग आए हैं और वो एक काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ थी। और कल उनकी डे भी थी तो कल ही हम आए वापस। और यहाँ पे आके एक गुड न्यूज़ मिल गई कि मेरी दी की वेडिंग फिक्स हो चुकी हैं। तो कल है इंगेजमेंट और तैयारी हो चुकी है शुरू। और शायद आज दीदी जाएंगी पार्लर, तो शायद मैं उनके साथ जाऊँगी, या फिर मेरी छोटी नसीस भी जा सकती हैं, या फिर वो अकेले भी जा सकती हैं। बट अगर मैं उनके साथ जाऊँगी तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देख लो, अभी भी हमारा बैग ऐसे ही है, अभी हमने इनपैक नहीं किया है बिकॉज काम से फुर्सत नहीं मिल रही थी हमें। सुबह मैं 10 बजे उठी, इसलिए थोड़ा काम लेट हो गया। और मम्मा ने 13 डेज काफ़ी रोया, तो मम्मा की आंखों में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मम्मा फिर अब थोड़े दिनों से दवाई डाल रही हैं। सिपलॉक्स है एक, उससे जैसे आप फ़ोन भी देखते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो खुजली के लिए है, आई में कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए है। और तो ऐसा था, तो इसलिए हम भी अपना हमने अनपैक भी नहीं किया बस। एंड 6 जून को हम वापस आए थे और नेक्स्ट 7 जून को मेरी मामी का फ़ोन आया कि जल्दी जल्दी आ जाओ, नानी की तबीयत ख़राब है। एंड सब पहुंच चुके थे, बस हम लोग रह रहे थे एंड ये सब हो गया। सो आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट, बट यहाँ पे आके गुड न्यूज़ मिली तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में है तो उसको जाके देख लेना। और इसी साथ में जैकेट भी है, मैंने आपको दिखाई जैसे, तो अभी गर्मी है और जैकेट इसके ऊपर अभी सूट भी नहीं कर रही है, तो जैकेट इस बार मैं नहीं पहनने वाली। और ये गाउन मेरी प्रीति मौसी ने मुझे दिया था, और ये सर्दियों का गाउन है, मैं तो सर्दियों में लेके आई थी माँ से, और लेकिन अभी गर्मियों में काम आया बिकॉज सर्दियों में हाफ स्लीव्स तो पहन नहीं सकते ना, इसलिए। तो मैं अभी, मेरे बाल ना काफ़ी अजीब से हो रहे हैं क्योंकि जस्ट अभी मैं शैम्पू करके आई हूँ। वैसे तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कपड़े पहन के कंघी करने लग जाऊँ, मेरे को उस टाइम होने वाला है, बट फिर याद आया आप सभी को शो करना है। तो अभी मम्मा क्या कर रही हो? मम्मा तो अभी मम्मी बना रही है नाश्ता, और इतने अपने बाल सुलझा लेती हूँ, उसके बाद मम्मी मेरे हेयर स्टाइल बनाएगी तो मैं आप सभी को वो भी दिखा दूंगी।
तो अभी फिलहाल मैं अपने फेस, जैसे मैंने आपको उसको पहले बताया था कि मलाई और हल्दी को मिला के मैंने लगाया सुबह, उसके बाद मैंने वो भी लगाया, क्या करना, दही भी लगाया, बिकॉज मैंने बालों में काफी डैंड्रफ था उस टाइम पे, लेकिन अब काफी हद तक कम है। और तो रात को भी मैंने मम्मा से मलाई और हल्दी मिक्स करके लगवाया था, क्योंकि मेरी स्किन जो है काफी ज्यादा ड्राई है। मैं अभी नहा के ना, अभी फेस पे कुछ लगाया नहीं है, इसलिए काफी स्ट्रेच स्ट्रेच ही लग रही है। तो अभी मैं फिलहाल अपने बाल सुझा लेती हूँ, अपने फेस पे क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, इतने मम्मी नाश्ता बना लेगी, उसके बाद मेरी मम्मा हेयर स्टाइल बनाएगी, तो मैं सुबह को वो भी दिखाऊंगी, ठीक है? तो अभी के लिए हम चलते हैं। बहुत जबरदस्त कोरियोग्राफी थी, आई थॉट का तो ना हमारे यहाँ पे ना जो दी के जो इन-लॉज थे वो शगुन का सामान लेके आते हैं, मतलब जो भी उनको पसंद है, कपड़े वगैरह, रिंग्स, जो मतलब जो भी सारा सामान वही लेके आते हैं। और थोड़ा थोड़ा, जैसे कि अगर ये मेरी बहन पीहू और ये एक पर्स भी लेके आए हैं वो, और ये भी लेके आए हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, और ये मेरी दीदी जो कंबल लेके आई हैं इनको देने के लिए सबको, ये परी, मम्मा, किट्टू और ये सारा सामान जो वो लेके आए हैं शगुन के तौर पर। और ये यही पहनना होगा दीदी को, और ये साड़ी है। तो अब ये जो दीदी के इन लॉज हैं, ये तीनों दीदियाँ इनको तैयार करेंगी। तो दी ने साड़ी जो है वो पहन ली है, मेरे जो सोनू दीदी है, इनका नाम सोनू दीदी, मतलब वैसे इनका नाम गीतांजलि है, लेकिन घर पे इनको सोनू बुलाते हैं। तो सोनू दीदी को ना साड़ी काफ़ी पसंद है, तो उन्होंने फटाफट से साड़ी पहन ली, और ये मेरी दीदी को तैयार कर रहे हैं। तो जो चूड़ियाँ हैं वो थोड़ी कांच की हैं, इसलिए दीदी को डर लग रहा है कि कहीं पहनते पहनते टूट जाए, इसलिए दीदी ने इसको पहले मॉइस्चराइजर लगा लिया, उसके ऊपर से बेलीज, ओ बेलीज नहीं सॉरी गलती हो गई, चूड़ियाँ पहन रही हैं। और ये हैं सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी हैं, और फिर वो जो साड़ी में है ब्लू वाली वो सेकंड नंबर पे है, और जो कुर्ती में है वो सबसे लास्ट नंबर पे है, ये थर्ड नंबर है, और जो दीको नेकलेस बना रही हैं वो सेकंड पे हैं। और दीको तैयार होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन दी क्रीम वगैरह नहीं लगाती, बिकॉज उनकी स्किन बिल्कुल मेरी तरह है, ड्राई स्किन, और ज़रा सा भी कुछ किया तो हार्म हो सकता है। और दी को नेल पेंट भी लगा रहे हैं, दी ने वैसे पहले लगा रखी थी नेल पेंट, लेकिन कल ही दी ने छुटा ली थी। एंड ये परी है जो वीडियो बना रही है मेरे लिए, मैंने उससे वीडियो ले लिया है। और ये तो इनको जो है ना नेल पेंट लगा रहा है रेड कलर की। और ना यहाँ पे ना, मतलब ऐसे ही होता है, जो ना हस्बैंड है ना दी के, वो नहीं आते, ये सब ऐसे रोका करके चले जाते हैं। एंड का मतलब आ सकते हैं वो भी, लेकिन कोई जिसको आने का मन होता है वही आता है। तो अभी टीको नेल पेंट लगा लेते हैं। आप दोनों के नाम क्या क्या है भाई? मतलब अपना नाम भी लेना पड़ेगा मुझे? सोना तेरे ससुराल में सारे मारे जिसे कह रही हूँ, उधर भी सुनील और अनिल भी है। हाँ, मैं क्या सही है, आकाश तो है ही है फिर। आकाश तो वही तो कह रही हूँ, सारे यहाँ है। हमारे यहाँ भांजा है मेरा। अच्छा, इसकी बुआ का लड़का है। हम पांचों भाई, आकाश, विकास, बाती, हेलो बोलो। अपना भूल गई मैं। कोई बात नहीं, पैर पे भी नहीं, मैं सारे इसको सोनू को भेज दूंगा, आप लोगों इससे ले लेना सारा वीडियो पूरा। फोटोग्राफर आ रहे हैं, कोई कोई नहीं, दादी के पास बैठ जा, वीडियो में भेज दूंगी सारी, सोनू को दे दूंगी, आप उससे ले लेना, वीडियो है इसके पास, नोनू के पास।
फोटो क्लिक कर ली, फोटो बाद में ले लेंगे ना। उसको जूम कर ले, उसको